तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, लिट्टी है और इसके साथ में चाय तो है। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट, थोड़ा कुछ काम है। वाईफाई का वायर वगैरह टूट गया है तो उसको लाने के लिए जा रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है वाईफाई में। तो गाइस, रास्ते में भाई का ऑफिस है तो उसकी छुट्टी हो गई, तो मैं उसे भी पिक कर लेता हूँ, वो भी साथ में चलेगा। तो गाइस, हम लोगों ने राउटर का चार्जर ले लिया था, तो अब हम लोगों ने ये प्लान बनाया कि इतना दूर आ ही गए, गांधी मैदान तक आ ही गए हैं, तो चलो थोड़ा मरीन ड्राइव घूम के आते हैं। तो हम लोग मरीन ड्राइव के लिए निकल गए, तो हम लोग अभी ये गांधी मैदान पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक है क्योंकि अभी यहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है, तो यहाँ पर वन वे हुआ हुआ है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक लग जाता है। कुछ दिन में मेट्रो बन जाएगा तो और भी ज़्यादा आराम हो जाएगा, तो अभी थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर लेते हैं। तो गाइस, हम लोग पहुंच गए ये चिल्ड्रेन पार्क के पास पहुंच गए हैं। ये बच्चों लोगों का बहुत ही अच्छा पार्क है, छोटा सा है, बच्चे लोग के लिए ठीक है, काफ़ी अच्छा अच्छा चीज़ है, तो यहाँ बच्चे लोग को लेके आ भी सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा, उन लोग को मज़ा आ जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर गोल घर के सामने से राइट लेना है, ये मरीन ड्राइव का रास्ता है। तो चलिए, यहाँ पर से हम लोग राइट ले चुके हैं, अब ये मरीन ड्राइव वे में पहुँच चुके हैं। तो गाइस, ये देखिए, यहाँ पे मरीन ड्राइव का टॉल है जो कि अभी चालू नहीं हुआ है, अभी वर्क अंडर प्रोसेस ही है, तो अभी कुछ दिन में ये भी चालू हो जाएगा, तो यहाँ पर एक टॉल बनेगा। तो गाइस, इससे पहले आया था तो यहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पर देखिए पेड़ वगैरह लग रहा है, तो धीरे धीरे यहाँ पर ग्रीनरी आ रही है। देखिए, यहाँ पर काफ़ी बहुत ही सारा पेड़ लगा हुआ है, तो कुछ दिन बाद ये जब बड़ा होगा, तो यहाँ पे अभी तो धूप है, लेकिन कुछ दिन बाद यहाँ पे बहुत ही अच्छा छांव रहेगा और ठंडा ठंडा गंगा का हवा आते रहेगा, तो काफ़ी मज़ा आएगा इन फ्यूचर। तो गाइस देखिए, हम लोग पॉइंट पे पहुंच गए हैं, ये गोलंबर है, और तो गोलंबर के यू टर्न लेकर हम लोग वहाँ पे पार्किंग में गाड़ी रोकेंगे, उसके बाद फिर कवर करेंगे कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चीज़ है, क्या क्या है, वो सब वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले पार्किंग में गाड़ी देकर पार्क करते हैं, उसके बाद फिर दिखाते हैं। तो गाइस देखिए, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर बहुत ही सारा ठेला लगा हुआ है और यहाँ पर खाने पीने का बहुत ही सारा सामान है, और कुछ कुछ तो अभी बंद भी है क्योंकि अभी धूप है, बंद रहा है 5, तो 5 बजे अभी ओपन नहीं हुआ है, तो अभी थोड़ा देर में फिर सारा ओपन हो जाएगा। उसके बाद अभी तो हम लोगों को भूख भी लगी हुई है और प्यास भी लगी हुई है, तो सबसे पहले हम लोग अभी देखते हैं कुछ खाने का अच्छा मिलता है, तो सबसे पहले खाते हैं, उसके बाद फिर वीडियो दिखाते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर आर्टिफिशियल फूल है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो गाइस, यहाँ पर आप लोग घुड़सवार भी कर सकते हैं, हम लोगों को मन था लेकिन हम लोगों ने किया नहीं। तो गाइस, यहाँ पर बच्चों लोग के लिए थार भी है। तो गाइस, हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले आइसक्रीम ले लिया क्योंकि बहुत ही गर्मी लग रही थी, तो हम लोगों ने सबसे पहले आइसक्रीम ले लिया। तो पहले इसे ठंडा ठंडा आइसक्रीम जल्दी जल्दी खा लेते हैं, उसके बाद फिर मिलता है। तो गाइस, आइसक्रीम खाते ही हम लोग को ये दिखा, तो हम लोगों की बचपन की याद ताज़ा हो गई, बचपन में हम लोग इससे खेलते थे और ये देखा तो बचपन की याद आ गई। तो गाइस, हम लोगों ने आइसक्रीम खाया लेकिन हम लोग की प्यास नहीं बुझी, तो हम लोग निकल गए पानी लेने के लिए। तो यहाँ पर बिसलेरी मिला हम लोग को, ये डुप्लिकेट था लेकिन फिर भी अब प्यास लगी थी तो हम लोग को पीना पड़ा। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक बिसलेरी का बोतल ले लिया है और ये हम लोगों को ठंडा भी नहीं मिला, गर्म नॉर्मल था, तो चलो लेकिन मजबूरी में हम लोगों को लेना पड़ा क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़ोर से प्यास लगी हुई थी। इतनी ज़ोर से प्यास और पानी हाथ में हो तो प्यास बर्दाश्त ही नहीं होती, तो मैंने वहीं पर खड़े खड़े पानी पीना स्टार्ट कर दिया। तो गैस, पानी पीते ही हम लोगों को भूख लग गई, तो यहाँ पर हम लोगों ने बिहार का फेमस लिट्टी चोखा खाने का प्लान बनाया, तो हम लोग यहाँ पर चले गए लिट्टी वाले ठेला के पास और यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर दे दी, और ये लिट्टी वाले भैया हम लोगों के लिए लिट्टी सेकने लगे, और ये देखिए यहाँ पे लिट्टी घी में डाल रहे हैं, तो यहाँ पे घी वाली लिट्टी मिलती है, 30 रुपये में 2 पीस मिलता है और एक प्लेट रहता है, 30 रुपये का प्लेट होता है। तो यहाँ पर घी में पूरे अच्छे तरीके से लिट्टी मिक्स हो गया है, अब ये प्लेट में सर्व करेंगे,
तो अब हम चलते साइड में जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं, हम लोग घूमते घूमते थक गए, तो साइड में जाकर बैठ जाते हैं। तो ये देखिए हमारा लिट्टी प्लेट में सर्व हो गया है, और यहाँ पर हम साइड में टेबल पे हम बैठे हुए हैं, और अब इसे खा कर टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसा। भूख बहुत जोर से लगी हुई है और ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं और इसे पूरा खाते हैं। तो गैस खाने पीने के बाद काफ़ी लेट हो गया, और यहाँ पे देखिए सूरज भी डूबने वाला है, और घर से भी कॉल आ रहा था जल्दी आने के लिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से निकले हुए थे। तो अब यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते, तो घर चलते हैं। तो गैस वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।